ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से एक मां ने अपने दो मासूम बच्चों की हत्या कर खुद भी मौत के आगोश में सो गई। हैरान कर देने वाली इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। किसी ने जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी तब पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कर रही है। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला अमरोहा जनपद के थाना डिडौली क्षेत्र के सेंतवली गांव का है, जहां पर 26 वर्षीय विवाहित साइमा अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करके खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गई। आत्महत्या से पहले साइमा ने अपने दोनों मासूमों की हत्या कर बच्चों के शव को बेड में छिपा दिया। परिवारजनों ने जब कमरे में आकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। देखते ही देखते गांव में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस गांव में पहुंची और शिनाख्त शुरू की। मामले की जानकारी पाकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते अपने बच्चों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन ये कहानी अभी तक किसी के गले से नहीं उतर रही है और पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। डिडौली में सैतली गांव में एक युवती और दो बच्चों के शव घर में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस तत्काल यहां पहुंची है। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो युवती है उसका बताया जाता है मानसिक स्थिति काफी समय से खराब थी। परिजनों से और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और जो घरवालों की तहरीर होगी उसके आधार पर आगे इस पर कार्यवाही की जाएगी। न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट।